पहले भी आपके साथ गड़बड़ करता था। हाँ, मेरे साथ छेड़खानी वेड़खानी करता था। जाते थे कंप्यूटर क्लास, कॉलेज जाते थे तो रास्ता में छेड़खानी करता था, गाड़ी से चढ़ जाता था, ऑटो में जाते थे तो रास्ता में छेड़खानी करना, दुपट्टा खींच लेना, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। बोलता था कि शादी कर लो, भाग चलो। जब हम उसका उन लोगों का विरोध किए तो ये लोग मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे छत पे खुद आकर अनिल राज घनश्याम और बादल ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मुख्य आरोपी जो है अनिल, उसको नाबालिग करार दिया गया है, बाल गृह में रखा गया है। पुलिस को आपने इतना कुछ हो रहा था आपके साथ, आपने क्यों नहीं बताया था? हाँ, तो जब पुलिस लोग क्या करेगा, हम लोग छोट जाती है, हम लोग को दबा कर रखा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं कुछ बोले, हम चाहते थे कि इतना बड़ा मेरे साथ इतना बड़ा भयानक हो जाएगा। उस कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले, हम तो चाहते कि उसको फांसी मिले, क्योंकि मेरा ऐसा हो गया है, मेरा तो लोग लाइफ ही बर्बाद कर दिया, तो हम चाहते कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर यहाँ पे बोला कि हम सब चीज कर देंगे, लेकिन अब वो कर रहा है डॉक्टर कि हम मेरे से नहीं होगा, तो ले जाइए बाहर, हमसे यहाँ से नहीं होगा, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। कितना खर्च आएगा इलाज का? वो रहा कि 10 लाख तक आ जाएगा। मेरा डिमांड ये है कि हम जल्द अच्छा से नॉर्मल हो जाए और गुनहगारों को सजा मिले और हमें न्याय मिले, क्योंकि हमें नकाम दिखाकर हमें मुआवजा कम मिला है, मेरा अच्छा से इलाज भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि अच्छा से इलाज हो, फिर नॉर्मल जिंदगी जी सके। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा सपना था कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन क्या करें, मेरा तो सपना सर टूट गया।